तो आज हम लोग मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और आज मैट्रिक्स का सबसे लास्ट टाइप क्या है कि आपको तीन समीकरण दिया रहेगा, हो सकता है आपको दो ही समीकरण रहेगा, तो वो कह रहा है कि रैखिक समीकरणों का हल करना है और किस विधि से, आरबीयू के व्युत्क्रम की विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण का हल करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो इसको कह रहा है कि आपको आरबीयू की विधि से हल करना है। तो आपको क्या दिया रहेगा, आपको तीन समीकरण दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका तीन समीकरण क्या इस तरह से रहेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी थ्री। इसी तरह आपको तीन समीकरण दिया रहेगा और वही ए वन के जगह आपको कोई संख्या हो चाहे टू एक्स हो या माइनस फाइव एक्स, इस तरह से आपको तीन संख्या दिया रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स निकालना है। एक मैट्रिक्स मान लेना है क्या, ये बराबर जब आपको ऐसा संख्या दिया रहे इसका इस तरह समीकरण दिया रहेगा, तो आपको इस तरह से मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स में क्या मानते हैं, ये एक्स का कोएफिशिएंट या क्या है ए वन, फिर वाई का कोएफिशिएंट क्या है बी वन, फिर जेड का कोएफिशिएंट क्या है सी वन। ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट रूम लिख देते हैं, उसी तरह सेकेंड लाइन का मतलब सेकेंड समीकरण का सेकेंड रूम लिख देना, क्या दिया ए टू बी टू सी टू। फिर उसी तरह तीसरे समीकरण को दूसरे कॉलम दूसरे रूम लिख देना, ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। ये आप इस तरह से ये मैट्रिक्स इससे आप निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक्स जो एक्स मान लेना है कैपिटल एक्स बराबर क्या, इसमें वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक वेरिएबल मान लेते हैं और एक दूसरा क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं जो कि कांस्टेंट, जो कि जिसमें वेरिएबल पद नहीं हो उसको अचर पद बोलते हैं, जो कि इसको हम मान लेते हैं क्या बी। तो बी बराबर क्या मान लेना है आपको डी वन डी टू और डी थ्री। इस तरह से मानने के बाद ये पहला स्टेप है कि आपको तीन समीकरण है उसमें ए निकाल लेना है, फिर एक्स निकाल लेना है और बी निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे आपको सबसे पहले इसका एक ए का डिटरमिनेंट मान निकालना है। यदि इसका डिटरमिनेंट मान क्या हो जीरो के बराबर नहीं आए तब इसको क्या करना है, इससे आपको इनवर्स मान निकालना है। तो जब ए का मतलब ए का डिटरमिनेंट मान यदि जीरो नहीं आ रहा, जीरो नहीं हो तब इससे आगे बढ़ना है, यदि जीरो के बराबर नहीं आएगा कहलाएगा संगत हल। अब इसको जैसे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको ये करना है क्या, जैसे मान लो कि यदि इसी समीकरण को हमको एक चेक करते हैं ये कैसे आता है, जैसे मान लो कि ए इंटू एक्स अब बराबर हम क्या लिख सकते हैं बी, क्यों ये लिखे थे इससे पता क्या चलता है। मान लो कि आप ए का मान ये मान है, ए का मान यहाँ रख देंगे, इंटू एक्स का मान ये मान है एक्स वाई जेड, और यहाँ आपका क्या है ए वन बी वन और सी वन, इस तरह से बाकी फिर इस तरह से आप सबको लिख दीजिएगा। अगर इसको आप इससे मल्टीपल करते हैं तो क्या देता है, ए वन इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू वाई प्लस सी वन इंटू जेड अब बराबर क्या, इसके बराबर आप जो मान है बी, बी का मान ये क्या दिया हुआ है डी वन डी टू और डी थ्री। इससे जो आप इस ए और एक्स को जब मल्टीपल करते हैं तो मेरा क्या आता है, इस तरह से आपका समीकरण आते जाएगा। तो इसी को हम अगर ऐसा ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसी को जब पूरा करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। तो इसी तरह क्या करना है, ए मान लेना है एक्स मान लेना है और बी मान लेना है, लेकिन हमको दिखाना है तो पता क्या चल रहा है कि इस समीकरण को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू एक्स बराबर क्या बी, लेकिन इसको चेक नहीं करना है। तो क्या कर रहे हैं हम इसको, जैसे मान लो कि हमको जो चीज करना है बस वो देख रहे हैं, पहले ए बी और एक्स मान है। अब इसमें क्या करते हैं दोनों साइड यदि हम ए इनवर्स मल्टीपल कर देते, क्या ए इनवर्स जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर भी ए इनवर्स मल्टीपल कर देंगे। जब ए इनवर्स मल्टीपल करते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ए वन ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू कितना एक्स, इतना बराबर क्या है ए इनवर्स इंटू बी। अब ये आपको याद होना चाहिए क्या, ए इनवर्स इंटू ए मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स को जब मल्टीपल करते थे हमको क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, मतलब तस्मा का व्यू बोल सकते हैं या इकाई का व्यू, क्या कोई मैट्रिक्स रहेगा उसका इनवर्स मैट्रिक्स से जब हम गुणनफल निकालते हैं तो हमको क्या देता है आई के बराबर देता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं आई इंटू कितना एक्स बराबर क्या ए इनवर्स इंटू बी। अब इसी को और ये भी आप याद रखें क्या, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीपल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स जाके हमको प्राप्त होता है। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या कोई तस्मक आईबीयू जब कोई आईबीयू से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। उसी तरह आई इंटू एक्स बराबर हमको क्या मिलेगा
आई इंटू एक्स बराबर आपको मिलेगा क्या, एक्स बराबर क्या ए इनवर्स इंटू बी। आपको इसी तरह इसी को जो है ना आपको निकालना है, क्योंकि आप क्योंकि आपको x का मान यह दिया रहेगा, तो आप x के जगह यह मान रख देंगे, जो यहाँ से आप निकालेंगे एक्स वाई जेड, ये आपको दिया रहेगा। फिर आप ए इनवर्स, जब हमको ए कोई मैट्रिक्स इससे प्राप्त कर लेंगे, इससे हम ए इनवर्स निकालना पड़ चुके पिछले लेक्चर में, ए इनवर्स निकाल के क्या करेंगे आप, यहाँ ए इनवर्स आप यहाँ रख देंगे, ए इनवर्स निकालना हम सीख चुके हैं, ए इनवर्स रख देंगे एन टू कितना ये बी। जब बी का मैट्रिक्स मान लो कि यहाँ आपका बी आया हुआ है, बी का मान कितना दिया है डी वन डी टू डी थ्री, जब इसको आप मल्टीपल करिएगा, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो वही जो क्या करते हैं इसका, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स के बराबर आ जाएगा और फिर वाई का मान आ जाएगा और जेड का मान आ जाएगा। क्या आपको दिया रहेगा, तीन समीकरण दिया रहेगा, तीन समीकरण में आपको एक मैट्रिक्स निकालना है जो कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट इस तरह से लिख लेते हैं, पहला रेखा का समीकरण दूसरे रेखा पहले रो में, फिर दूसरे तीसरे रो, इस तरह आप लिख लेते हैं, और ये एक्स वेरिएबल को एक एक्स मान लेते हैं, और ये कॉन्स्टेंट जो कि जिसमें एक्स वाई जेड बन नहीं रहा था उसको हम कॉन्स्टेंट एक बी लेते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले इसी का जो है इसका मान निकालते हैं। यदि ए इनवर्स यदि डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं आवे तब हम उसको आगे प्रोसेस लेके जाते हैं, यदि जीरो आ जाता है तो उसके बाद हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह आपको पहले क्या करना है ए बी सी मतलब ये एक्स और बी का मान निकाल लेना है, उसके बाद क्या करते हैं आप ये सब चेक नहीं करना, क्या क्या आपको डायरेक्ट यहाँ आना है, क्या क्या आपको चाहिए एक्स का वैल्यू मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू, जो कि एक्स में क्या देता है एक्स वाई जेड, आपको क्या निकालना है ए इनवर्स, जो कि यहाँ से आप ए निकाल लेते हैं, ए इनवर्स निकालना हम लोग पिछले लेक्चर में देखिए ए इनवर्स का निकाल दिया, मान रख दे फिर इंटू बी बी से फिर ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, वहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। ये आपका मैट्रिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है, और ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब भी आएगा आपका ये सवाल, और जब भी आएगा तो आपका 5 मार्क्स में आएगा, 5 नंबर जब भी ये पूछा जाता है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब भी आएगा मैट्रिक्स एक ये 5 नंबर का पूछता है, नहीं तो इनवर्स निकालने के लिए दे देता है। तो इस पर जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक सवाल चेक कर लेते हैं।